जय श्री कृष्णा मित्रों, जय माँ शमशान काली। कैसे हो आप? आशा करता हूँ बेहतर होंगे। आज का विषय है परिवार वालों को शादी के लिए कैसे मनाएं। परिवार चाहे आपका हो या आप जिनसे विवाह करना चाहते हो उनका परिवार हो, तो कृपया करके वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद ही आप ये उपाय करिएगा। और उपाय बताने से पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बता देता हूँ जो जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप किसी भी तरह से कोई समस्या में हैं, अगर आप समस्या का समाधान चाहते हो, तो आप मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हो। संपर्क किस तरह से करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8104018830। इसके अलावा मेरा कोई और व्हाट्सएप नंबर नहीं है। या आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो। मेरी ईमेल आईडी है seva.upai@gmail.com। आप अपनी समस्या मुझे मैसेज के द्वारा या फिर ईमेल के द्वारा भी भेज सकते हो, आपको समस्या का समाधान मिल जाएगा। और अब मैं आपको उपाय के बारे में जानकारी दे देता हूँ कि किस तरह से आपको ये उपाय करना है। अगर आपके परिवार वाले आपकी शादी के लिए नहीं मान रहे और आपको उनको मनाना है, तो किस तरह से मनाना है ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको किसी शुभ दिन पे ये उपाय शुरू करना है। अगर आप ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते तो किसी शनिवार से आप ये उपाय शुरू कर देना। आपको एक रुद्राक्ष की माला चाहिए जो कि सिद्ध होनी चाहिए, और आपको एक लाल आसन लेना है और चमेली के तेल का दीपक लेना है, और आपको 5 लौंग लेनी है, 5 काली मिर्च लेनी है और 5 इलायची लेनी है, और आपको धूप बत्ती या अगरबत्ती लेनी है। ध्यान रखना, धूप बत्ती अगरबत्ती जब भी लो आप तो खुशबूदार होनी चाहिए। और मंत्र को ध्यान से सुनिए। मंत्र है ओम हूँ ह्रीं। इस मंत्र का आपको 11 दिन लगातार जाप करना है, 5 माला। किस तरह से करना है विधि मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। लाल आसन पर आपको बैठना है, सामने चमेली के तेल का दीपक जला लेना है, 5 लौंग, 5 काली मिर्च और 5 इलायची अपने समक्ष रख लेना सामने, और पूरब दिशा की तरफ मुंह करके आपको इस मंत्र का 5 माला जाप करनी है। 11 दिन करने के बाद आपको ये सभी सामान लेकर इनको पीस कर आप अपने परिवार में जो जो नहीं मान रहे हैं शादी के लिए आपकी, उनको खिला दीजिएगा। और अगर आप जिनसे विवाह करना चाहते हैं, उनके परिवार वालों को मनाना चाहते हैं, उसमें क्या करना है आपको, ये 11 दिन मंत्र का जाप करने के बाद, और वो तीनों चीज़ काली मिर्च, लौंग और इलायची, इन सभी को ले जाकर उनके घर के बाहर फेंक दीजिएगा चूरा बनाने के बाद। ध्यान रखिएगा, 3 दिन आपको लगातार फेंक के आना है, और ऐसे स्थान पर फेंकना है कि उसका परिवार का कोई भी सदस्य उसके ऊपर से लांघना चाहिए। और इस उपाय का आपको असर बहुत ही फायदेमंद मिलने वाला है। ये किस तरह से मिलेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। आपका परिवार में अगर कोई मान नहीं रहा है, या आप जिनसे विवाह कर रहे हैं वो उनका परिवार में कोई मान नहीं रहा है, ये उपाय करने के पश्चात वो खुद ब खुद आपकी शादी करा देंगे। और ध्यान रखिएगा, गलत मकसद के लिए उपाय नहीं करना है। अगर आपको इस उपाय में किसी भी तरह की कोई समस्या आती है, या फिर अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं, तो मुझसे आप ये जानकारी ले सकते हो। और कृपया करके इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको किसी भी तरह की और कोई समस्या है तो आप मुझसे साझा करके उपाय ले सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माँ शमशान काली।